एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपको फिर से मेरे किचन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ, मैं मास्टर शेफ होते जा रही हूँ। ओह माय गॉड, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये है कोचू, ये मार्केट से लाई गई है, ये कोचू है। कोचू को हिंदी से क्या बोलते मुझे तो पता नहीं, बट इससे आज मैं बनाऊंगी पोर्क करी बनाऊंगी और एक आलू भी दूंगी क्योंकि हमारे पिताजी को पसंद नहीं है, बट या। और ये देखो मसाला पीसने के लिए सारे इसमें है, टमाटर जो भी जिंजर गार्लिक एंड ऑल्सो ऑनियंस एंड मिर्ची। ये मिर्ची भी खराब हो चुकी है इसलिए मैं आज ग्राइंड करने जा रही हूँ। ग्राइंड नहीं करूंगी तो समय नहीं बचेगा, समय बहुत कम है, अभी मैं जल्दी जल्दी ग्राइंड करके लाती हूँ। बहुत सारी मसाला हो गई है या तो चलो मेरे साथ मसाले पीसने के लिए उस तरह जाना पड़ेगा आपको। चलो तो बैठा देती हूँ। हाँ तो गाइस अभी मैं पीसने जा रही हूँ मसाला और मुझे मिक्सर चलाने में अभी भी डर लगता है। आई होप हो गया। वाओ तो गाइस मसाला एकदम ये देखो मस्त बहुत मिर्ची डाल दी मैंने। तो अभी मैं पहले आलू को काट लेती हूँ, पहले इसको कट करके दिखाती हूँ। तो इससे बना लेती हूँ। इसका आलू की शेप में कट करना है। ए का नहीं मतलब का खुई है तो अभी मैं इस पे इस मसाले के साथ ही भूनूंगी आलू, और ये आलू को मैंने छीला नहीं, बस टाइम नहीं है बस। और इसके साथ ये कोचू, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कोचू की, शायद ये पोर्क इसको अच्छे से साथ भूनूंगी। ये मसाला ना इसके अंदर चले जाएंगे, मैं बाद में नहीं डालूंगी, तो मसाला को अच्छे से इसके साथ भून लूंगी। अब इसको मैं ढक दूंगी और कुछ नहीं, इसमें पानी वानी अगर ये जल जाए, ऐसे ऐसे नीचे जाए, कढ़ाई खराब है ना, अच्छे नहीं है, अगर ऐसे नीचे से जल जाए मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं बस, ठीक है। दे देता हूँ ये फ्राई, शेलो फ्राई पोर्क है और इसमें ये देखो इसका ऑयल निकल रहा है, ये देखो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा ऑयल नहीं डाला। ये वाओ आप देख सकते हो ये ऑयल, ये देखो वाओ वाओ। बना के मिलती हूँ, कारण नहीं है ये देखो
एंड गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और ये ब्लॉग कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा मुझे खुद भी पता नहीं, क्योंकि कल तो करंट चला गया था इसलिए मैंने ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी भी ये देखो, अभी मैं दोपहर का खाना पका रही हूँ यहाँ पर, मतलब इतना स्टक हो चुका है ना मेरा ब्रेन में क्या करूँ। इधर मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं एग्जाम भी है ना नजदीक पे तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तो खाना पकाना है तो खाना पहले ही पका लेती हूँ, और मोबाइल इतना हैंग मर रहा था ना कि क्या बताऊं, डिस्टर्ब हो रही थी पढ़ाई करने में। तो जिंदगी ऐसे ही चल रही है मेरे, अभी खाना पका नहीं जल्द, अभी मैं टमाटर का चटनी बना रही हूँ, पिताजी का फरमाइश का टमाटर का चटनी बनाने का। मैंने कभी भी टमाटर का चटनी नहीं बनाई है, बस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। थोड़ी स्वीट स्वीट वाला टॉक बनेगा तो मैं गुर दूंगी इसमें, और थोड़ा सा टॉक भी टमाटर और खुद ही टॉक है और स्वीट है, और इसमें मैं थोड़ी सी कूल भी डालूंगी, पका हुआ कूल। तो आपको मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ और आप लोग मेरे हालत देख सकते हो कैसे लग रही हूँ मैं, बिल्कुल लग रही हूँ ना 10-50 साल का बुढ़ी। तो यही है मेरी लाइफ, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू मतलब डाल नहीं पाती, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं आपको शेयर नहीं कर पा सकती सब कुछ। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब जो भी है आप लोग जल्दी कर दीजिए जल्दी। बस ये रहा पका हुआ कूल, इसके अचार भी मैं बनाऊंगी। वाओ मेरा नेल पेन कितना लंबा लंबा हुआ है, मेरा नाखून और घर का हालत भी बहुत खराब है। चलो ओके, थोड़ा सा पक चुका है, मैंने ये जस्ट पचफुरन दिया है, और ये पता नहीं ये क्या ये है, पता नहीं इसका नाम क्या है, मैंने ये भी दिया है, इसका नाम क्या है, ये बेसिकली टॉक चटनी वटनी बनाने में ये इस्तेमाल होती है, बट इसका नाम नहीं पता आप लोग, मैं ये देखो पता नहीं इसका नाम क्या है। तो इसमें मैंने पचफोरन डाला है और कुछ नहीं डाला है, थोड़े से मिर्ची विर्ची डाला है, तो पका के आपको मिलती हूँ। और इसके बाद ये जब पक जाएगा ना, गल जाएगा ना, तो मैं ये गुड़ दे दूंगी, ये देखो इतना बड़ा गुड़ है, ये हमारा होम मेड गुड़ है। तो कैमरा कब रखूं पता नहीं, मैं सुबह से काम कर रही हूँ फिर भी मैं कैमरा रख नहीं पा रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखो, ये देखो गुड़, मैं इस पे गुड़ डालूंगी, कितना नाइस लग रहे है ना गुड़। गुड़ बहुत महंगा आता है हमारे यहाँ, बट कम ही बेचते हैं, इतना दूंगी तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसे थोड़ा कम दूंगी, चख के मैं दे दूंगी। वाओ कितना, खाकर दिखाती हूँ आपको, ये इतना मीठा है, क्या बताऊं गाइस, मतलब बहुत ही स्टिकी है ये। और आज सुबह में ये रखा था, अभी भी खाने का टाइम नहीं है, सुबह में रखा था ये शॉल, ये बहुत ही स्टिक है, आप देख सकते हो ये गिरता गिरेगा नहीं, आप देख सकते हो मैजिक, ये शॉल का मैजिक है, देखो गिरेगा नहीं। आई थिंक मेरा जल रहा है टॉक, बाद में मिलती हूँ। सो यहाँ पर बन रहा है मेरा टॉक, टमाटर का टॉक, वो भी कूल से, बहुत ही टेस्टी है, मैंने खा के देखा है, मैंने कभी भी नहीं बनाया, फॉर द फर्स्ट टाइम है। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और शैम्पू भी करूंगी, आज नहीं करूंगी तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो अभी जाती हूँ मैं शैम्पू करने के लिए, मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे घर में गन्ना लगाई जा रहे थे, तो लेबर है तो वो लोग भी अभी ना उठेंगे, खाना खाने के 12 बज चुके हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नहीं फिर करी वो ओ अखिए ले वो 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 अरे फिर ओ वो क्या रुक फिर मैं पूरी खनवा रुक फिर ना नहीं पूरी खाकर ये शीशा लग बोर हाँ।